प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पल चैनल और मैं हूं मतनीशा। आज आप जानेंगे नीतीश कुमार की नाराजगी के अंतिम शाह भी फैटर, सुशांत सिंह बाबू को क्या है होम मिनिस्टर से दिक्कत, बिहार के आरसीपी सिंह ने जेडीयू से विवाद, विदाई के बाद भी है कफाइशों की दौड़ तेज है, चर्चाएं यहां तक पहुंच गई हैं कि सीएम नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर अब एक और फिर से आरजेडी के साथ जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की अंतिम शाह की बिहार में राजनीति में बढ़ते दल की परेशानी है और वह असहज महसूस कर रहे हैं। खुद भाजपा के मुखिया जेपी नाड़ा और होम मिनिस्टर अमित शाह भी कह चुके हैं कि आम चुनाव में बिहार के नीतीश कुमार का चेहरा होंगे और उसके बाद विधानसभा चुनाव में भी उनकी वह भूमिका कायम रहेगी। लेकिन नीतीश कुमार गठबंधन से असहज हैं और कहा जा सकता है कि भाजपा के रणनीति उन्हें चुभ रही है। दरअसल बिहार के मौजूदा सरकार में भाजपा के कोटे से जो मंत्री बने हैं वे अंतिम शाह की पसंद से माने जाते हैं और नीतीश कुमार ने अपने के लिए खतरे की तौर पर देखते रहे हैं। आरसीपी सिंह ने भी जेडीयू छोड़ते हुए आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार को जलन है। उन्होंने कहा था, मैं तो यही कह सकता हूं कि जलन का कोई इलाज नहीं, नीतीश कुमार अपने 7 जन्मों में भी एपीएम नहीं बन सकते। नीतीश कुमार ने पिछले महीने में आरसीपी सिंह के राज्यसभा भेजने से मना कर दिया था। नीतीश कुमार ने इस बात से नाराज थे कि उन्हें सहज के बिना ही आरसीपी सिंह ने मोदी कैबिनेट की जगह दी गई थी। वही नहीं, नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेता रह विधानसभा स्पीकर विजय कुमार सेना से भी नाराज है। वह चाहते हैं कि उन्हें विधानसभा के स्पीकर की पद से हटा दिया जाए। विधानसभा के कार्यवाही के दौरान ही नीतीश कुमार ने आपा खो दिया था और जमकर हल्ला बोला था। पीएम नरेंद्र मोदी के मौजूद गद्दी वाले 7 कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार को लगातार दूर रहते हैं। इसके अलावा अंतिम शाह की ओर से बुलाई बैठकों में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। इसी भी नीतीश कुमार की ओर से नाराजगी के संकेतों के तौर पर देखा जा सकता है। सूत्रों का कहना है कि वहां लगातार आरजेडी के टच में कुछ वक्त से बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। नमस्कार।